अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में जो बाइडेन को विजेता घोषित कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को जीत की बधाई भी दे दी है। साथ ही बाइडेन और कमला हैरिस ने अपनी जीत का भाषण भी दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अभी तक बधाई नहीं दी है। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं। अमेरिकी चुनावों के नतीजों पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि 2016 में अर्दोआन ने नतीजों के एक दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी और उन्हें मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया था। इसी तरह साल 2012 में जब बराक ओबामा दोबारा चुने गए थे तो उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने मुबारकबाद दे दी थी। बीते 4 सालों में अर्दोआन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूत रिश्ता बनाया है। वो रूस से हथियार खरीदने और दूसरे मतभेदों के बावजूद तुर्की को अमरीकी प्रतिबंधों से बचाते रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों के दौरान तुर्की की सरकार की तरफ झुकाव रखने वाले मीडिया ने बाइडेन के खिलाफ सुर अपना लिए थे। बाइडेन ने अर्दोआन की विदेश नीति की आलोचना की है और तुर्की के विपक्षियों का समर्थन करने का वादा किया है। तुर्की के उपराष्ट्रपति फवाद ओक्ते ने कहा है कि तुर्की नए अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा और नाटो के हितों का ध्यान रखेगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अर्दोआन राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्हें नाराज नहीं करना चाहते और इसी वजह से खामोश हैं। हालांकि अभी तक बाइडेन को मुबारकबाद ना भेजने से तुर्की और अमेरिका के भविष्य के संबंधों पर जरूर असर हो सकता है। वहीं चीन की बात की जाए तो उनके राष्ट्रपति की तरफ से भी अमेरिकी चुनाव पर किसी तरह की बधाई या कोई दूसरा संदेश जारी नहीं किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह सवाल पूछा गया कि अभी तक अमेरिकी चुनाव पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है, इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैंग वैनबिन ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन ने जीत हासिल की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम समझते हैं कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे अमेरिका के नियम कानून पर आधारित होते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार ही अपनी तरफ से बधाई देंगे। गौर करने वाली बात है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में ट्रंप को फौरन बधाई दी थी, जबकि ट्रंप ने शुरुआत से ही चीन के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। ट्रेड वॉर पर वो पीछे नहीं हटे। ट्रंप के फैसलों के चलते चीनी कंपनियों को कई देशों में 5G नेटवर्क के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सके। साथ ही कोरोना वायरस पर भी ट्रंप ने खुलकर उसे चाइनीज वायरस कहा था।